दतिया नगर पालिका सीएमओ विनय कुमार भट्ट का पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिले के पत्रकार सीएमओ के खिलाफ लामबद्ध हो गए हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले दतिया नगर पालिका सीएमओ विनय भट्ट पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पत्रकारों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान पत्रकारों ने जिला प्रशासन और सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। पत्रकारों ने एकजुट होकर सीएमओ के खिलाफ एफआईआर को लेकर ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा ने कहा कि अगर पुलिस ने सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पत्रकार समूह उग्र आंदोलन करेगा। एएसपी सुनील शिवरे ने ज्ञापन देकर पत्रकारों को उचित कार्रवाई की जाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है जब पत्रकारों से अभद्रता की गई हो। इसके पहले भी नगर पालिका के सीएमओ को लेकर ऐसे मामले सामने आते रहे। कुछ पत्रकार लोग दतिया नगर पालिका सीएमओ विनय भट्ट के पास जन समस्याओं की बाइट लेने गए थे तो उससे बौखला गए वो सवाल सुनते ही, और उन्होंने बदतमीजी का परिचय देते हुए एक पत्रकार साथी हैं रवि राय कुमार उनका मोबाइल पकड़ लिया और मोबाइल छीना के मोबाइल फेंक दिया जिससे मोबाइल टूट गया है। इसी को लेकर उन पर मामला दर्ज करने की मांग को लेकर हम लोग एसपी के पास गए थे। एडिशनल एसपी मिले वहाँ पर तो उन लोगों ने उन्हें शिकायत की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 24 घंटे में कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगे पत्रकार एक बृहद आंदोलन करेंगे। ये अभी ज्ञापन दिया है सभी पत्रकार बंधुओं ने, इसमें जो जो भी उन्होंने तथ्य बताए हैं इन सब की जांच करके एक दिन का मैंने समय मांगा है, और निसंदेह जो जो अगर तथ्य सत्यता के आधार पर जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी निसंदेह की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।